सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के वसई में दिन दहाड़े बीच सड़क पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक 20 साल की लड़की आरती यादव का मर्डर कर दिया गया। ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी ने ही किया है। प्रेमी का नाम रोहित यादव बताया जा रहा है और ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि लड़की को सर में रिंच यानी कि पाना से हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जब यह मर्डर हुआ तो वहाँ से सैकड़ों लड़कियाँ, महिलाएँ और पुरुष जा रहे हैं और किसी ने भी ऐसी वारदात को देखकर लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई लोग तो वारदात देखने के बाद इसे नज़रअंदाज करके तेज़ी से आगे चलते हुए नज़र आए। औरतें ही नहीं, आदमी भी इतनी ही हिम्मत नहीं जुटा सके कि आरोपी युवक को रोक सके कि लड़की की जान बचाया जा सके। जान बचाने की जगह लोग वारदात का वीडियो ज़रूर बनाते रहे। लड़की को मारने के बाद आरोपी पूछ भी रहा है कि क्यों किया मेरे साथ ऐसा। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी रोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया है, पर मुंबई से सटे वसई में हुए इस घटना से एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि इतनी जनता के बीच में मर्डर हुआ और जनता तमाशबीन बनी रही। जो लड़की की हत्या हुई है, पूरी घटना क्या है? आज सुबह 9:45 पे लड़की काम पे जा रही थी, तब उसका एक प्रिय करे उसने उसके पास जो हथियार था, वो बड़ा एक नट बोल्ट टाइट करने का पाना रहता है, उसका हथियार करके इस्तेमाल करके उसके सर में मल्टीपल इंजरी करके उसको मार डाला। सर, इसमें क्या वजह क्या थी, क्यों मारा? प्रेम प्रकरण का है लड़की का और उसका, दोनों का पहले आ फिरता ऐसा मालूमात हो रहा है, और बाद में लड़की ने उससे रिलेशन छोड़ दिया, संबंध, प्रेम संबंध तोड़ दिए, इसका गुस्सा हो और दूसरे किसी के साथ उसका संबंध ऐसा उसको शक था, वो शक के ऊपर उसने मर्डर किया। सर, ये जो इसमें एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि वो मार रहा है और पूरी तरह से पब्लिक देख रही है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? पब्लिक ने अगर आगे आके उसको बचाती तो शायद वो लड़की की जान बच सकती थी। मैं पब्लिक को आह्वान करूंगा कि ऐसे घटना के टाइम लड़की की मदद करना चाहिए। सर, अभी आरोपी कहाँ है और आपके यहाँ? आरोपी को हमने इंक्वायरी के लिए ताबे में लिया है, आगे की प्रोसीजर, आगे की कार्रवाई चल रही है। किस तरह का गुना दाखिल? मर्डर का गुना 302 के तहत दाखिल है। सर, कितनी वार की है? पोस्टमार्टम चार लड़की का चार हुए, लेकिन मल्टीपल इंजुरीज है उसके सर में।